Hello friends, good morning and welcome once again to Amy's Kitchen. सिवैयां या वर्मी सही करीब करीब सबने खाई होंगी, चाहे वो नमकीन सिवैयां हो नाश्ते में या डेजर्ट में दूध के साथ में सिवैयां पकी हुई हों, या वो चाशनी और मावे के साथ में जो सिवैयां पकती हैं मुजाफिर जिनको बोलते हैं। यहाँ पे मिडिल ईस्ट में वही सिवैयां का थोड़ा सा वेरिएंट होता है, वो सिवैयां थोड़ी सी बनी हुई भी डिफरेंट होती हैं और उनको पकाने का भी तरीका डिफरेंट होता है। बहुत ही पॉपुलर डेजर्ट है यहाँ का, उसको बोलते हैं कुनाफा। और ये कुनाफा डो है यहाँ पे जो मिलता है ये बिल्कुल सिवैयों जैसा है, बारीक लेकिन थोड़ा सा सिवैयों से ज़्यादा बारीक है। ये कुनाफा डो मिलता है, इसको हम देखिए, ये हमने पहले से इसको ये करीब 250 ग्राम कुनाफा है जिसको हमने बहुत बारीक बारीक इसको हाथ से ही तोड़ दिया है। इसमें हम ये डालेंगे बटर, अनसॉल्टेड बटर, ये करीब 3-4 टेबल स्पून बटर है। तो अच्छे से इसको खूब बढ़िया से इसको इसमें मिला देंगे। ये हमने देखिए इसको अच्छे से मिला लिया है, अभी हम इसको बेक करेंगे। लेकिन पहले क्या करते हैं, हम पहले चाशनी बना देते हैं। चाशनी के लिए हमने एक कप शुगर लिया हुआ है और एक कप पानी में इसको चाशनी बनाते हैं, क्योंकि चाशनी बनाने के बाद में ठंडी होगी, उसके बाद इसको यूज़ करेंगे। तो जब तक इसको पहले चाशनी बना लेते हैं फिर आते हैं। तो चलिए चाशनी बना लेते हैं। इसमें हमने ये एक कप शुगर और उतना जितना शुगर है उतना ही पानी, एक कप पानी ये डाल करके और इसको हम अच्छे से चला देंगे, इससे पूरा शुगर इसका इसमें घुल जाए। यहाँ पे देखिए मिडिल ईस्ट में जितने भी डेजर्ट्स हैं वो उनके लिए चाशनी ऐसी ही बनती है, चाहे वो कुनाफा हो या बरबूजा हो। तो इसको हम बॉईल पे आने देंगे एक बार, जैसे कि इसमें उबाल आ गया है। अब इसको सिम पे करके और इसको एक 6-7 मिनट के लिए छोड़ देंगे। हम इसमें अब थोड़ा सा नींबू का रस डाल देंगे, 1/2 टीस्पून, जिससे कि शुगर क्रिस्टलाइज नहीं हो। ये 6 मिनट हो गए हैं करीब, हाँ ये बिल्कुल ठीक है चाशनी, बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए। बस अब ये उबल गया, अब इसमें हम बंद कर देंगे इसको गैस को और इसमें हम एक टीस्पून ये हम गुलाब जल डाल देते हैं। बस अब हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, इसको कूल होने देंगे जब तक हम अपना कुनाफा असेंबल कर लें। जब तक हमारी चाशनी हो रही है तब तक हम आइए कुनाफा को असेंबल कर लेते हैं। देखिए कुनाफा में यहाँ पे नॉर्मली तीन तरह की स्टफिंग्स डाली जाती है, एक होता है क्रीम कुनाफा, एक होता है चीज़ कुनाफा और एक होता है क्रीम एंड चीज़ कुनाफा। तो हम आज बनाने जा रहे हैं क्रीम चीज़ कुनाफा। ये हमने एक कप मावा लिया हुआ है, ये मावे को भी हमने घर में बनाया है, आपने देखा होगा हमारा पुराना वीडियो, हमने मावे को कैसे माइक्रोवेव में बनाया था। ये हमने ऊपर से गार्निशिंग के लिए ये पिस्ते के कोर्स, बहुत कोर्स पाउडर किया हुआ है। ये थोड़ा सा ऑरेंज का कलर है और ये है मोजरेला चीज़। इस मोजरेला चीज़ को हमने करीब 1 घंटा पानी में डाल के छोड़ दिया था जिससे कि इसका सॉल्टीनेस ख़त्म हो जाता है। और ये है क्रीम। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें हम थोड़ा सा इसका आधा पोर्शन अलग कर देते हैं, करीब करीब आधा पोर्शन इसको हम अलग कर देते हैं और इसमें हम ये कलर डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ना भी डालें। ये हमारा ये अच्छे से मिल गया है, अब हम इसको हटा देते हैं और अपना स्टफिंग बना लेते हैं। तो ये हमने ये मावा जो करीब 1 कप लिया था इसको हम मिक्सी में डाल देंगे छोटे से जार में। हम बहुत थोड़ा सा देखिए इस मावे में थोड़ा सा क्रीम डालेंगे इसमें हम, ये हमने 1/2 कप क्रीम डाल दिया है, इसको हम मिक्सी करते हैं।
ये देखिए ये मिक्सी कर लिया, ये थोड़ा सा गाढ़ा है तो हम इसमें क्रीम थोड़ा सा और डालेंगे। यस ठीक है, देखिए ये बस फ्री फ्लोइंग होना चाहिए थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा पतला नहीं। देखिए ओरिजिनल रेसिपी जो है वो रिकोटा चीज़ और क्रीम के साथ में है, उसका पेस्ट बना करके इसकी स्टफिंग करते हैं, लेकिन हमने मावा लिया है क्योंकि रिकोटा चीज़ अक्सर मार्केट में अवेलेबल नहीं होती है, तो आप मावा भी ले सकते हैं या उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं कॉटेज चीज़ से, अपनी पनीर से, वो मिला करके इसका एक बढ़िया सा ये पेस्ट बन जाता है। अब हम आइए इसको असेंबल कर लेते हैं एक ओवन प्रूफ डिश में। हम जो है थोड़ा सा बटर लगा देंगे चारों तरफ से, इसको अच्छे से पूरा बटर लगा देंगे। अब इसमें हमने ये जो मुनाफा था इसको हम अच्छे से इसको फैला देंगे इसमें और इसको अच्छे से प्रेस कर देंगे। देखिए ये बढ़िया से प्रेस हो गया। अब इसमें हम ये जो हमारा खोए और क्रीम का जो पेस्ट था इसको हम इसमें डाल देंगे लिबरली, अच्छे से डालेंगे। देखिए ये ख्याल ये रखना है कि ये जो पेस्ट है क्रीम का या चीज़ जब डालेंगे तो वो साइड्स में नहीं लगना चाहिए, साइड्स में लगेगा तो वो जब इसको हम बेक करेंगे तो वो जल जाएगा। और इसके ऊपर से हम डाल देते हैं मोजरेला चीज़। देखिए इस मोजरेला चीज़ को हमने ठंडे पानी में एक स्पून ऑयल डाल करके और एक घंटे के लिए इसको रख दिया था, जिससे कि ये इसका सॉल्टीनेस भी ख़त्म हो गई और ये आपस में चिपका भी नहीं। अब इसके ऊपर हमारा ये जो बचा हुआ था इसको हम डाल देते हैं, इसको हम फिर इतना इसको भी प्रेस कर देंगे खूब अच्छे से। संजीव अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको याद होगा कि जब आप यहाँ पे आए थे तो आपको ये कुनाफा आपने खाया था रेस्टोरेंट में और आपको बहुत पसंद आया था और हमसे आपने बोला था कि ये कुनाफा को घर में बनाना चाहिए, तो आपकी बात का ऑनर करते हुए ही हम ये कुनाफा हमने घर में बनाया और स्पेशली आपका बर्थडे है जो कि आज, तो हमने कहा आज ही बनाते हैं और आपकी नज़र में पेश करते हैं। तो हैप्पी बर्थडे संजीव, ये कुनाफा आपको डेडिकेटेड है। अभी हमने अपना ओवन 180 डिग्री पे प्री हीट करने को रख दिया, वो प्री हीट हो जाएगा, फिर हम इसको एक आधे घंटे का टाइम लगा देते हैं, 30 मिनट्स। वाह ये देखिए कि हमारा आधे घंटा हो गया। अब इसको हम थोड़ा साइड से इसको अब हम पलट देंगे। वेरी गुड, वाह 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 वाह, क्या बढ़िया कुनाफा बनाया। अब वो जो हमने चाशनी बनाई थी उसको हमने एक स्क्वीज बॉटल में ठंडा होने के बाद में डाल दिया था, जिससे कि आसानी से इस पे ऊपर हो जाए। देखिए बहुत ही अच्छे से इसमें चाशनी पूरे में डाल देनी है। अब इसके ऊपर हम ये जो हमने पिस्ता ग्राउंड किया हुआ था इससे इसकी गार्निशिंग कर देंगे। वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया कुनाफा। तो ये चीज़ कुनाफा आप ज़रूर बनाइए, हमें यकीन है आपको बहुत ही पसंद आएगा, और बनाने के बाद में आप अपना फीडबैक हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए
और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए जब भी हम हर सैटरडे को अपना वीडियो अपलोड करते हैं। आप हमको फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो हैप्पी मेकिंग चीज़ क्रीम कुनाफा। थैंक यू।